हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हम करने वाले हैं राजस्थान की हवेलियाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे शेखावटी की मुख्य हवेलियाँ, जैसलमेर की हवेलियाँ, जयपुर की हवेलियाँ, बीकानेर की हवेलियाँ, ठीक है, और कुछ अन्य हवेलियों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा, जो भी मैंने नोट्स में यहाँ लिखा है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी हवेलियां हैं, लेकिन जो एग्जाम में आने वाली हैं वो हम करेंगे, उनको नहीं छोड़ना है। इसीलिए नोट्स में जो भी कुछ लिखा जाता है, हर एक पॉइंट जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए हवेलियां जो है वो क्या होती हैं, तो आपने हवेलियां शब्द तो सुना होगा, जो बल्लव संप्रदाय में भगवान कृष्ण के जो मंदिर हैं उनको भी हम हवेली ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन राजस्थान में जो ये हवेलियां जिनको हम पढ़ने वाले हैं, ये जो हवेलियां जिनका निर्माण जो है वो 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद से हो गया था, तो ये जो हवेलियां हैं इनका निर्माण जो सेठ साहूकार थे वो अपने रहने के लिए करवाते थे। तो यहाँ हम उन हवेलियों की बात करेंगे, ठीक है। और हवेलियों में जो है वो कई महल जो है वो आपस में जो है वो जोड़कर उनको बनाया जाता था। तो आपने सुना भी होगा, आप लोग जो है वो जाएं शेखावटी क्षेत्र में तो वहां पर आप देखेंगे कि सीकर और झुंझुनू में वहां बहुत सारी जो है वो हवेलियां आपको देखने को मिलेंगी। तो कई बार ऐसे भी बोल दिया जाता है कि वो देखिए मंडावा की हवेली, ठीक है, जो कि झुंझुनू में बनी है, तो उसको ऐसे भी कह दिया जाता है कि ये शेखावटी की हवेलियां हैं। तो शेखावटी की हवेलियों के बारे में तो महत्वपूर्ण है कि वो जो है जो दीवारों पर चित्रण जो है बहुत ज्यादा उसमें मिलेगा, ठीक है। भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है शेखावटी की हवेलियां। और सबसे ज्यादा हवेलियों का नगर जो है वो किसको कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है, ठीक है, जहाँ की हवेलियों के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, इनको तो पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो मैंने आपको बताया कि जो सेठ साहूकार थे उन्होंने अपने निवास के लिए हवेलियों का निर्माण कराया, ठीक है। तो उनमें भी जो है उनको हवेलियों को भी हम कई भागों में बांटते हैं। तो हवेलियों के क्या भाग होते हैं, तो यहाँ पर चार पॉइंट हैं, गवाक्ष, तिवारी, पौली और माले। माले आप सभी जानते हो, एक माला, दो माला, तीन माला, जिन्हें हम कहते हैं एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, ठीक है। तो माला तो वो होता है। गवाक्ष किसे कहते हैं, तो हवेली में स्थित मुख्य द्वार पर दोनों ओर बने चबूतरे गवाक्ष कहलाते हैं। तो जो मेन गेट होता है, जो मुख्य द्वार होता है, वहां पर आप देखेंगे कि इधर उधर दोनों तरफ जो है वो चबूतरे बने होते हैं, ठीक है, जहां पर लोग आपको बैठे हुए भी मिलेंगे। तो उन चबूतरों को जो है वो हम क्या कहेंगे, गवाक्ष कहेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा भाग जो हवेली का होता है वो होता है तिवारी। चौक के तीनों ओर जो है वो कमरे बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तिवारी। तीन से ही बना हुआ है तिवारा, ठीक है, गांव में तिवारा बोल देते हैं। तो ऐसे ही तिवारी जो कि चौक के तीनों ओर कमरे में बने होते हैं। और तीसरा जो भाग है हवेली का, पोली होता है। हवेली के मुख्य द्वार के अंदर खुला चौक जिसमें लोग बैठते हैं, तो हवेली के बाहर जो मुख्य मुख्य द्वार के बाहर जो दो चबूतरे बने हैं वहां पर भी कई आने जाने वाले लोग जो हैं वो बैठे हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर उसको कहेंगे गवाक्ष। तो यहाँ पोली क्या है, पोली जो है वो मुख्य द्वार के अंदर अंदर जो चौक होता है जिसमें लोग बैठते हैं उसको कहा जाता है पौली। और माले, माले मैंने आपको बता दिया कि हवेली जो है वो कई मंजिल की बनी होती थी, जिसको क्या कहते थे, माले कहा जाता था, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसलमेर की हवेली, ठीक है। जैसलमेर की हवेलियां, तो हवेलियों का नगर कहलाता है जैसलमेर। यहां पर जो हवेलियां हैं वो पत्थर की जाली और कटाई के कारण जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छी अच्छी आपको दिखाई देगी यहाँ की कटाई, सुंदर तरीके से, ठीक है। यहाँ की हवेलियों में जो है वो पीला पत्थर, जैसलमेर में आप देखिए सोनारगढ़ है, सोनारगढ़ किस लिए जाना जाता है, पीले पत्थर का बना हुआ है, और उस जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकता है, ठीक है। तो यहाँ पीला पत्थर मिलता है, तो पीले पत्थरों पर कमल और जो बेल होती हैं, वृक्ष, गुलाब, कलश, घुंघरू, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर खुदाई का काम जो है इन हवेलियों में मिलेगा, जैसलमेर की हवेलियों में। सबसे पहले है पटवों की हवेली, याद रखें पटवों की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में,
ये वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हवेलियों से संबंधित जो है वो क्वेश्चन यही पूछा गया है, जैसे छतरियों के संबंध में पूछा गया है कौन सी छतरी जो है वो कहाँ पर है, इसी तरीके से कौन सी हवेली जो है वो कहाँ पर है, बस यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर भी हम इनकी दो चार लाइनें जो है वो याद करने की कोशिश करेंगे। पटवों की हवेली जैसलमेर में है और यह 5 मंजिला हवेली है। ठीक है, और जिसमें जो पहली मंजिल है तो वह जो है जहाज के आकार की जो है वो बनी हुई है, और दूसरी मंजिल जो है वो आयताकार बनी हुई है। ठीक है, और जो 5वीं मंजिल है तो वहां पर जो है रथ आकार के जो है वो जाली झरोके हैं सबसे ऊपर वाली 5वीं मंजिल में। ठीक है, तो 5 मंजिला हवेली है यह है, और इसका निर्माण जो है गुमान चंद वापना ने करवाया था 1805 ईस्वी में। इस हवेली में जो शैली यूज है वह हिंदू, मुस्लिम, ईरानी, यहूदी, इन सभी शैलियों का मिश्रण है पटवों की हवेली में। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? एक तो ये याद रखेंगे पटवों की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में। दूसरी बात, 5 मंजिला हवेली है। तीसरी बात, इसका निर्माण गुमान चंद वापना ने करवाया था। ठीक है, और ये भी याद रखें कि इस हवेली में हिंदू, मुस्लिम, ईरानी, यहूदी शैली का मिश्रण है। वही यहाँ पर पॉइंट लिखे गए हैं जो आपको याद करने हैं। मैं कुछ भी आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं करवाती हूँ, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो फालतू की जो भी बातें हैं वो उनको भी याद करें। यहाँ वही याद करें जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, टू द पॉइंट यहाँ पर हम बात करेंगे। सालिम सिंह की हवेली सबसे पहले याद रखें, सालिम सिंह की हवेली है कहाँ, जैसलमेर में है। ठीक है, और जैसलमेर के जो प्रधानमंत्री थे सालिम सिंह, तो उन्होंने ही 1815 ईस्वी में इस हवेली का निर्माण करवाया। ठीक है, जैसलमेर की ये सबसे ऊंची इमारत है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत जो है वो कौन सी है, सालिम सिंह की हवेली है। ठीक है, और इस हवेली में जो है 7 खंड पत्थर के और ऊपरी 2 खंड जो है वो लकड़ी के बने हैं। ठीक है, नीचे के जो 7 खंडर हैं वो तो किसके बने हैं, पत्थर के हैं, और ऊपर के 2 खंड जो है वो लकड़ी के बने हैं। ठीक है, और जिनको हाल ही में जो है लकड़ी के जो 2 खंड हैं जो ऊपर के हैं उनको तो उतार लिया गया है। ठीक है, और लकड़ी के बने खंडों को रंग महल, शीश महल भी कहते हैं, और सबसे ऊंची ये इमारत है जैसलमेर की। फिर देखिए नथमल की हवेली, नथमल की हवेली जैसलमेर में ही है। 1881 से 1885 के मध्य इसका निर्माण किया गया, और इस हवेली का निर्माण जो है नथमल की हवेली का हाथी और लालू नामक, ये दोनों व्यक्तियों के नाम है, हाथी और लालू नामक दो भाइयों ने करवाया था। ठीक है, और इस हवेली के द्वार पर पीले पत्थर से निर्मित 2 हाथी बने हुए हैं। ठीक है, तो पीले पत्थर से ही निर्माण हुआ है इन हवेलियों का, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। तीनों हवेलियां कहाँ है, जैसलमेर में है। ठीक है, पटवों की हवेली जिसका निर्माण किसने करवाया, गुमान चंद वापना ने करवाया। सालिम सिंह की हवेली का निर्माण सालिम सिंह ने करवाया। ठीक है, और नथमल की हवेली इसका निर्माण हाथी और लालू नामक 2 भाइयों ने करवाया। फिर देखिए जोधपुर की हवेलियां, तो जोधपुर की हवेलियों में आप सिर्फ यहाँ नाम याद रखोगे, पोकरण की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली, पुष्य, ये पुष्य है, ठीक है, पुष्य हवेली, पच्चीसा हवेली, ये सभी जोधपुर की हवेलियां हैं, जिसमें आप 2 लाइन इनके बारे में याद रखिए। एक तो देखिए पोकरण की जो हवेली है, पोकरण कहाँ है, जैसलमेर में है। ठीक है, लेकिन ये जो हवेली है पोकरण की हवेली कहाँ है, जोधपुर में। तो यहाँ ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पोकरण की हवेली जोधपुर में है, जैसलमेर में नहीं। और दूसरी पुष्य हवेली, ये विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसका निर्माण जो है वो पुष्य नक्षत्र में हुआ है, तो यहाँ पर ये बात याद रखें। ठीक है, और इसकी जो है वो मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की है, यदि आपको अच्छी लगती है आप इसको पढ़ें, नहीं तो आप खुद की ट्रिक जो है वो बनाएं, और फटाफट से बनाई जा सकती है। तो जोधा और पुष्या को 25 राखी बड़े मियाँ ने पोकरण में बेची। ठीक है, या जोधा और पुष्या ने 25 राखी बड़े मियाँ से पोकरण में खरीदी, कोई भी ट्रिक जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो यहाँ 25 राखी जो है वो पोकरण में खरीदी या बेची, ठीक है, बड़े मियाँ ने। तो ये किसकी हवेलियां हैं, जोधपुर की हवेलियां। यहाँ पर जोधपुर जो है वो जोधा से याद हो जाएगा, पुष्य हवेली पुष्या से याद हो जाएगा, 25 पच्चीसा हवेली
राखी हवेली राखी से, बड़े मियाँ की हवेली बड़े मियाँ से, पोखरण की हवेली पोखरण से। याद हो गया, जोधा और पुष्या को 25 राखी बड़े मियाँ ने पोखरण में बेची। दो तीन बार बोलेंगे याद होगी। नेक्स्ट देखें झालावाड़ की हवेलियाँ। झालावाड़ की हवेलियाँ जिसमें सालिम सिंह की हवेली है, ठीक है। एक सालिम सिंह की हवेली हमने कहाँ पर देखी थी, जैसलमेर में देखी थी। यहाँ झालावाड़ में भी सालिम सिंह की हवेली है। गुलजार की हवेली, सात खां की हवेली, दीवान साहब की हवेली, काले बाबू की हवेली। यहाँ पर भी केवल नाम याद रखें झालावाड़ की हवेलियों में। ट्रिक क्या है देखिए, सात काले झालों के लिए गुलजार दीवान के पास गया। सात सात खां की हवेली, उसके बाद काले से काले बाबू की हवेली, झालों से झालावाड़ की हवेलियों की हम बात कर रहे हैं, और गुलजार से गुलजार जी की हवेली, दीवान से दीवान साहब की हवेली, ठीक है। तो ये सभी हवेलियां इसमें आ गई। सात काले झालों के लिए गुलजार दीवान के पास गया। वहीं जोधपुर की हवेलियों में क्या ट्रिक थी, जोधा और पुष्या को 25 राखी बड़े मियाँ ने पोखरण में बेची, ठीक है। और झालावाड़ की हवेलियों में सात काले झालों के लिए गुलजार दीवान के पास गया, ठीक है। तो यहीं पर आप याद रख लें, आज ये पढ़ें और शाम तक जो है वो आप लोग इसको एक दो बार जो है वो बोलें, ठीक है, बिना देखे बोलें, याद हो जाएगी। कोटा की हवेलियां, कोटा में देवता श्रीधर जी की हवेली है, झाला जी की हवेली है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जयपुर की हवेलियां, जयपुर की हवेलियों में भी आप नाम याद रखेंगे। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली है, नाना जी की हवेली है, धाबाई जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, नाटाड़ियों की हवेली और ख्वास जी की हवेली है, ठीक है। इनके बारे में जो है वो एग्जामिनर नहीं पूछता है, यही पूछता है कौन सी हवेली कहाँ पर है। तो इसकी भी ट्रिक देखिए, बहुत अच्छी सी ट्रिक है। देखिए जयपुर में नाना जी घर पर धाबाई ने पुरोहित जी को खास रत्न भेंट किया। जयपुर में नाना जी के घर पर धाबाई ने पुरोहित जी को खास रत्न भेंट किया। कैसे भी करके आपको तो ये याद करनी है, ठीक है। चाहे ये आप याद करें, चाहे खुद की ट्रिक लगाकर याद करें, आपको बस याद करनी है, ठीक है। फिर देखिए सेखावटी की हवेलियां। तो सबसे पहले तो जानिए कि सेखावटी क्षेत्र में चूरू सीकर झुंझुनू आ जाता है, ठीक है। और जैसलमेर की हवेली और सेखावटी की हवेली, इनमें से जो है वो क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो अक्सर पूछ ही लेता है। तो सबसे पहली खास बात क्या है सेखावटी की हवेलियों में, कि ये जो दीवार पर चित्रण होता है, भित्ति चित्रण, तो उसके लिए जानी जाती है सेखावटी की हवेलियां। और जिसमें रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, पिलानी, मुकुंदगढ़, यहाँ की जो हवेलियां हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कहाँ पर हैं। रामगढ़ जो है वह कहाँ पर है, तो रामगढ़ सीकर में है। नवलगढ़ जो है वह है झुंझुनू में है, ठीक है। मंडावा भी झुंझुनू में है। मुकुंदगढ़ की बात यदि करें तो मुकुंदगढ़ जो है वो कहाँ है, ये भी झुंझुनू में है। तो यहाँ झुंझुनू में आपको बहुत सारी जो है वो हवेलियाँ मिलेंगी। तो चलिए एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, क्योंकि जैसलमेर की हवेलियाँ जो हैं और सेखावटी की हवेलियाँ, तो इनके बारे में जो है वो दो दो लाइनें आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं नवलगढ़ की हवेली कहाँ है, झुंझुनू में। सबसे पहली बात तो ये हमने याद कर ली। और सेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है इसे, ठीक है। यहाँ भगत, जालान, पोद्दार, भगेरिया, रूप निवास, इनकी हवेलियां जो है वो नवलगढ़ में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं सेखावटी की हवेलियों के बारे में। फिर देखें बिसाऊ झुंझुनू में हवेली है, सेठ जय दयाल केड़िया की हवेली, और सेठ हीरा लाल बनारसी लाल की हवेली, नाथूराम पोद्दार की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली और महनसर की हवेली। एक जो लाइन जो है वो मुझे आपको बतानी है, नवलगढ़ की जो हवेली है वहां पर जो हमने भक्तों की हवेली पढ़ी है, तो सबसे विशाल हवेली है सेखावटी की, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। वहीं पर यहाँ पर महनसर की जो हवेली है ये किसके लिए जानी जाती है, ये हवेली जो है वो सोने चांदी की हवेली के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है, महनसर की हवेली। मंडावा, मंडावा कहाँ है, झुंझुनू में। यहाँ हमें रामनाथ कोयनका की हवेली, रामदेव चौखाड़ी की हवेली, सागरमल लाड़िया, इनकी हवेली जो है वो यहाँ पर मिलती है, ठीक है। चिड़ावा, चिड़ावा कहाँ है, झुंझुनू में है। और यहाँ बागड़ियों की हवेली, डालमिया की हवेली यहाँ पर है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए ढूंढ लोद, ढूंढ लोद यह भी कहाँ है, झुंझुनू में है। और सेठ लालचंद गोयनका की हवेली जो है यहाँ की मुख्य हवेली है। नेक्स्ट मुकुंदगढ़, ये भी झुंझुनू में है, यहाँ पर सेठ राधा कृष्ण की हवेली जो है वह प्रमुख है। और केसरदेव कानोड़िया की हवेली यह भी कहाँ है, मुकुंदगढ़ में है। ये आपको याद हो जाएंगे आप इनको दो तीन बार बोलेंगे तो। फिर देखिए झुंझुनू, झुंझुनू में ही प्रॉपर झुंझुनू में ही जो हवेली है ईश्वरदास मोदी की हवेली और टीबड़े वाला की हवेली। नेक्स्ट सुजानगढ़ चूरू, तानचंद चोपड़ा की हवेली, ठीक है। उसके बाद देखिए शेखावटी क्षेत्र में ही चूरू की हवेलियां जो कि चूरू में ही है, सुराड़ा की हवेली, राम निवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली। फिर देखें लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ सीकर में है और यहाँ केड़िया की हवेली है और राठी की हवेली है। रामगढ़, रामगढ़ सीकर में है और यहाँ ताराचंद रुइया की हवेली है। श्री माधवपुर ये भी सीकर में है और यहाँ पर पंसारी की हवेली है। तो यहाँ हमने शेखावटी की हवेलियाँ देखी जिसमें नवलगढ़ की हवेली, बिसाऊ की, मंडावा, ढूंढलोद, मुकुंदगढ़, चिड़ावा, श्री माधवपुर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, ठीक है, चूरू की हवेलियाँ ये हमने कहाँ पर देखी, शेखावटी की हवेलियों में देखी। अब देखिए नेक्स्ट हवेलियां हैं बीकानेर की हवेलियां। यहाँ की हवेलियां जो हैं लाल पत्थरों से निर्मित हैं। जैसलमेर की हवेली की मुख्य विशेषता क्या है, पीले पत्थरों से हैं। शेखावटी की हवेलियां भित्ति चित्रण के लिए प्रमुख हैं। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थरों से निर्मित हैं। तो इसमें जो है बच्छावतों की हवेली, ये जो बच्छावतों की हवेली है ये बीकानेर की जो है वो सबसे पुरानी हवेली है, ठीक है। बीकानेरी हवेलियों में सबसे पुरानी हवेली बच्छावतों की हवेली है और इसका निर्माण जो है वो करण सिंह बच्छावत ने करवाया था। डागा की हवेली, मुंदड़ा, मोहता, रामपुरवा, सेठिया, कोठारी, माहेश्वरी और ओसवाल की हवेली, ये कहाँ पर हैं, ये बीकानेर में है और इन्हें बीकानेरी हवेलियां भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए बीकानेर की जो हवेलियां हैं इनमें जो झरोके होते थे उनको, वो जो है नक्काशीदार जो है उनमें कार्य किया जाता था। इसके अलावा जो है वो ज्यामिति शैली की नक्काशी, बेल बूटे, फूल पत्तियां जो हैं इन हवेलियों की मुख्य विशेषताएं रही हैं। और इसमें एक विशेषता ये भी है कि इसमें मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्र शैली का प्रयोग भी किया गया है। फिर देखिए उदयपुर की जो हवेली है, बागोर की हवेली, टोंक में सुनहरी कोठी है और अजमेर में बादशाह की हवेली है। तो यहाँ पर हवेलियों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट लाइन हो रही है वो मैंने आपको यहाँ लिखवा दी है, समझा दी है। आप लोगों का काम है इसको बार बार बोलना, याद करना, ठीक है। यहाँ ही यहीं से प्रश्न आपका आ जाएगा। कैसे आएगा, पूछा जाएगा कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दे देंगे उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू। आप क्या आंसर करोगे, जैसलमेर, ठीक है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है, शेखावटी, उदयपुर, जैसलमेर या बीकानेर, तो आप क्या करोगे, शेखावटी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पूछ लेगा कि जो नथमल की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, ये कहाँ पर है, तो ये भी जोधपुर में है। तो ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है और इसके बाद जो है वो आपका बावड़ियां जो है इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे तो वो टॉपिक हम करेंगे। बहुत ही कम रह गया है, लगभग जो है छोटा सा वीडियो बनेगा बावड़ियों से संबंधित, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।